आज का जो कार्यक्रम रहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि पे आज हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोगों ने याद किया है और उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग संघर्ष करने का निर्णय लिया है। आज इसके लिए आज हमने 5 वैन को हमने हरी झंडी दिखाया है। पूरे बिहार में घूम घूम कर अति पिछड़ा समाज में जाकर समर्थन पत्र जुटाएंगे, जो 50 लाख समर्थन पत्र जुटाना है। और खास करके VIP पार्टी का मांग है कि 15% जो निषाद अति पिछड़ा समाज में आरक्षण बढ़ाया जाए, इसके लिए हम लोग अभियान कर रहे हैं और खास करके पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज को गोलबंद कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि आज हमने किस तरीके से पेपर में जानकारी दिया कि बाद में बहुत सारे जाति को उसमें जोड़ा गया लेकिन कोटा में वृद्धि नहीं हुआ। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि सरकार एक चीज़ तो ज़रूर निर्णय लेना चाहिए कि जो लोग गरीब है उनके लिए बेहतर विकल्प ढूंढना चाहिए। उनके अति पिछड़ा कोटा में उन्होंने शामिल किया तो उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन उसमें कोटा बढ़ाना चाहिए, आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहिए। आज कहीं ना कहीं दायरा नहीं बढ़ने के कारण उसमें बहुत सारे ऐसे जाति है जो शून्य है, एक BPSC में एक अपने बच्चे को SDO तक नहीं बना पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि 18% से बढ़ाकर 33% अति पिछड़ा कोटा में आरक्षण करें। और राज्य सरकार ये कर सकते हैं, राज्य सरकार के पास पूरा शक्ति है, पावर है। अन्य राज्य में, भारत में बहुत ऐसे राज्य है जहाँ पे 69% तक आरक्षण है लेकिन बिहार में नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों का पूरा मांग है और अति पिछड़ा समाज से समर्थन हम लोग जुटा रहे हैं कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें कोटा बढ़ाए, नहीं तो हम लोग उनके कर्पूरी जी के बताए हुए रास्ते पे संघर्ष करेंगे, अपने दम पर सरकार बनाएंगे। और जिस सरकार बनेगा उस निश्चित तौर पे डिसीजन लेने का पावर VIP पार्टी के पास होगा और हम लोगों ने अति पिछड़ा समाज के साथ न्याय करेंगे, उनको आरक्षण का कोटा बढ़ाने का काम करेंगे। तो आज ये जो रथ निकला है ये 50 लाख समर्थन पत्र जुटाएंगे पूरे बिहार से अति पिछड़ा का घरों से, उसके साथ साथ 10 लाख लेटर अति पिछड़ा के घर पे हम लोग भेजने का काम करेंगे समर्थन जुटाने के लिए। उसके साथ ही अगले महीने में मार्च 25 मार्च को 101 बाइक के साथ युवा को हम लोग लॉन्च करेंगे, मेगा लॉन्चिंग होगा जो हर अनुमंडल में जाके हर एक एक घर तक पहुंचेंगे और हमारे लोग अब वहाँ पे एक एक अति पिछड़ा का बेटा को इस मुहिम से जोड़ने का काम करेंगे। हमारे लक्ष्य मांगे आपकी पूरी नहीं हुई, जो मांगे आपकी हैं तो आप NDA से भी बगावत कर सकते हैं? नहीं, देखिए ये सरकार हमारी है, NDA मतलब VIP पार्टी है, JDU है, हम है और JDU है, ये सरकार हमारी है। और आज हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते अपने सरकार के टॉप नेतृत्व जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं कि उनसे मांग ही कर सकते कि आपने हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे जाति को नाम को जोड़ा है लेकिन कोटा नहीं बढ़ाया है, ये सरकार का फर्ज और कर्तव्य है कि कोटा बढ़ाया जाए। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये जब VIP पार्टी अपने वजूद में पहुंच जाएगा तो खुद डिसीजन लेंगे और वो हम काम करेंगे। अभी तो हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोटा बढ़ाएं। सदन में इस बात को उठाएंगे क्या? सदन में जो देखिए सरकार हम है, सरकार में हम कहाँ, हम तो बात उठा ही रहे हैं, TV मीडिया पेपर के माध्यम से अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने लोगों को गाँव में बोल रहे हैं घूमिए और संघर्ष कीजिए और अपने दम पे सरकार बनाइए और आप पूरा कीजिए। तो जाहिर सी बात है पार्टनरशिप में सरकार है तो सबके राय विचार से ही सरकार निर्णय लेंगे। तो हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं और संघर्ष करेंगे, निषाद आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जातिगत जनगणना के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अति पिछड़ा का कोटा बढ़े उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, बिहार में 19 लाख युवा को रोजगार मिले उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमारा बिहार बेहतर हो, टॉप 10 में बिहार आए उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हम बिहारी होने के नाते हम चाहेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले तो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो तमाम बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के हर साथी समाज को आगे बढ़ाने के लिए जब भी संघर्ष की बात होगा तो मुकेश सहनी रोड पे होगा।